भारत में इस बार क्रिकेट का महामुकाबला यानी आईसीसी का सबसे बड़ा इवेंट वर्ल्ड कप होना है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे बीसीसीआई ना तो इसके लिए सीरियस है और ना इतने बड़े इवेंट को कराने की उसकी मंशा है। बीसीसीआई पहले ही दो बार मैच शेड्यूल निकाल चुकी है, लेकिन इतने वक्त में भी वो होने वाले मैचेस को सही तरीके से सही स्टेडियम और वक्त नहीं दे पाई है। ऐसा लगता है जैसे बच्चे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो खेल रहे हैं। किसी भी स्टेडियम को कितने भी मैचेस दे दो और वो भी लगातार। ताजा मामला हैदराबाद का है। हाल ही में HCA यानी हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने BCCI को एक लेटर लिखकर लगातार मैचेस होस्ट करने की नाकामी जताई है। HCA ने अपने लेटर में लिखा है कि 9 अक्टूबर को न्यूजीलैंड का नीदरलैंड के साथ मैच होना है और फिर उसके अगले ही दिन पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ, और ये दोनों मैच हैदराबाद के ही ग्राउंड पर होने हैं, जिसमें HCA ने साफ तौर पर कहा है कि वो इन दोनों मैचों को लगातार नहीं करवा सकता। इसमें सिक्योरिटी रीजन सबसे बड़ा कारण है, और ये है भी बेसिक सी बात। एक शहर में अगर दो मैचेस एक के बाद एक होते हैं तो सिक्योरिटी में दिक्कतें आ सकती हैं, खास तौर पर जब दूसरा मैच पाकिस्तान और श्रीलंका का है जो हमारे पड़ोसी हैं। बीसीसीआई ने तारीखों में ये बदलाव इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की मैच डेट बदलने के बाद किए थे। पहले पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच जो अब 10 अक्टूबर को होना है, वो पहले 12 अक्टूबर को होना था। लेकिन क्या बीसीसीआई को इन बेसिक सी चीजों पर ध्यान नहीं देना था कि कौन सा मैच किस स्टेडियम और किस तारीख को होना है, और क्या वो स्टेडियम लगातार दो मैच होस्ट कर सकता है? हमें अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।